हेलो बच्चा जी, हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है ओसीएम का 12th स्टैंडर्ड। आपको इस पूरे चैनल पे ओसीएम का फुल कोर्स मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री एंड एंटरटेनिंग वे में। पूरा का पूरा आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। उसका नाम है बिजनेस सर्विस। चैप्टर 1 क्यों नहीं और चैप्टर 4 ही क्यों? तो उसका मेन पर्पज ये है, चैप्टर 4 इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड हम इंटरेस्टिंगली हैप्पीली शुरुआत करें, इसलिए हमने चैप्टर 4 पहले चूज किया है। चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस, ये 2 वर्ड्स है, एक है बिजनेस और एक है सर्विस। फर्स्ट इज बिजनेस। बिजनेस का मेन प्रॉफिट, मेन एम प्रॉफिट होता है, जैसे हम सबको पता है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। एंड नेक्स्ट इज सर्विस। सर्विस क्या होती है सबको पता है, हमें दिए जाते, जैसे टीचिंग है, लॉयर है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किसमें आती है? सर्विसेज में आती है। हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि बिजनेस सर्विस क्यों एक साथ, इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी व्हाट इज सर्विस। ठीक है, हमारे गली मोहल्लों में बहुत सारे डॉक्टर के क्लिनिक्स होते हैं। ठीक है, एक डॉक्टर वहां पर बहुत लंबी लाइन है और दूसरे यहाँ पे बहुत थोड़ी सी लाइन है, ऐसा हम सब लोगों ने देखा होगा। तो एक डॉक्टर की यहाँ बड़ी लंबी लाइन क्यों? अभी आप सोचोगे तो एक होता है क्वालिटी, दूसरा होता है कि इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। अरे उस डॉक्टर के पास गया तो हमको गुण बहुत अच्छा आता है, उस डॉक्टर के पास गया तो हमारे पास गुण ही अच्छा नहीं आता है। तो गुण क्या है? एक दिखने वाली चीज है क्या? गुण क्या है? मोबाइल है क्या? नहीं, दिस इज इनटैंजिबल। इट कैन नॉट बी सी, इट कैन नॉट बी टच, बट इट कैन बी एक्सपीरियंस, इट कैन बी फील्ड। तो वैसा ही सर्विस इज इनटैंजिबल इन नेचर, इट इज इनटैंजिबल इन नेचर। नेक्स्ट क्या आता है? दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेड नॉर स्टॉक्ड। अब मैं टीचर हूँ, अब मुझे पता है कल मेरा सुबह 7 बजे का लेक्चर है, तो मैंने फटाफट क्या करा, जो भी मुझे पढ़ाना है मैंने उसको पैक कर दिया और उसको भेज दिया। ऐसे कभी होता है? नहीं, क्योंकि सर्विस इज टाइम एट द सेम टाइम इट इज मैन्युफैक्चर, मतलब यहाँ पर ही प्रोडक्शन हो रहा है और सेमली वहां पर ही कंजम्पशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, स्टॉक करना, ये सारी चीजें यहाँ पे आती नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज सेड देयर इज नाइदर मैन्युफैक्चर्ड नॉर ट्रांसपोर्टेड नॉर स्टॉक। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन एंड इट्स कंजम्पशन इट्स एट द सेम टाइम। आई एम प्रोड्यूसिंग, मैं आपको सिखा रही हूँ एंड आप वहां पर बैठ के उसको समझ रहे हैं। उसको समझ रहे हैं मतलब उसको कंज्यूम कर रहे हैं। आई एम प्रोड्यूसिंग एंड यू आर कंज्यूमिंग एट द सेम टाइम। जैसे कि ये मोबाइल है, मैंने पहले भी एग्जाम्पल लिया था, ये मोबाइल पहले कभी तो मैन्युफैक्चर किया होगा, पहले तो कभी स्टॉक किया होगा एंड उसके बाद मार्केट में आया। पर सर्विस ऐसा है क्या? सर्विस ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 3 पॉइंट्स, इट इज इनटैंजिबल इन नेचर, सॉरी, इट इज नाइदर मैन्युफैक्चर ट्रांसपोर्टेड नॉट स्टॉक, एंड द 3rd पॉइंट इज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज डन एट द सेम टाइम। नेक्स्ट, अब डेफिनेशन ऑफ सर्विस। हम जब नॉर्मल मीनिंग लिखते हैं तो हमें इतना मार्क्स शायद नहीं मिल सकता, बट अगर आपने डेफिनेशन लिख दिया तो कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा इंप्रेशन बढ़ेगा ना। अगर इंप्रेशन बढ़ेगा तो आपका मार्क्स भी बढ़ेगा। तो लेट्स गो ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। पहले हमने मीनिंग कर लिया, मेरे जैसे बच्चों के लिए मीनिंग इज ठीक है, पर मेरे जैसे एडवांस, मेरे से एडवांस लेवल के बच्चों के लिए डेफिनेशन भी लाया गया है। द डेफिनेशन ऑफ सर्विस वाज गिवन बाय फिलिप कॉटलर। डेफिनेशन ऑफ सर्विस वाज गिवन बाय फिलिप कॉटलर, अपना फिलिप लाइट, हम तो ऐसे ही याद रखते हैं भाई, फिलिप कॉटलर। एक एक करके, एक एक सेंटेंस को पढ़ के, उसको समझ के हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे। अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अभी एग्जाम्पल लेते हैं हम गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहाँ पर दिख रहा है आपको गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, सबको पता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दिस इज अपना जेठा जी और ये अपने बागा जी। ठीक है, अभी इनका किसका शॉप है? इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है। वहाँ पर एसी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, हाँ, और क्या, रेफ्रिजरेटर मिलेगा, एक्सेट्रा थिंग्स। वैसे ही अगर कोई कस्टमर अंदर आ गया तो कस्टमर पूछेगा कि भाई मुझे एसी चाहिए, भाई मुझे फ्रिज चाहिए, तो बागा जाएगा, जेठा जी जाएंगे, अब दिखाएंगे उनको अलग अलग फीचर्स वाले टीवी, फिर उनके बजट के हिसाब से जैसा फ्रिज चाहिए वैसा। तो दैट इज एन एक्ट और परफॉर्मेंस, दोनों परफॉर्मेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट वन पार्टी ऑफर्स टू एन अदर। अभी सामने वाले बोलेगा मुझे ये फ्रिज चाहिए, सामने फिर जेठा जी बोलेंगे कि भाई ये फ्रिज तो 30,000 की है, ये फ्रिज तो 40,000 की है, फॉर एग्जाम्पल। देयर इज अ ऑफर कि आपको लेना है तो लो। नेक्स्ट,
दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल. अभी भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाला दुकान है, प्रोडक्ट्स तो बेच रहा है पर उसके साथ साथ वो सर्विसेज भी तो दे रहा है. गेटिंग? तो द सर्विस इज एसेंशियली इनटेंजिबल. जो सर्विस दे रहे हैं, आइए बैठिए, अलग अलग फीचर्स बताना, ये क्यों अच्छा नहीं, ये सब एक्सप्लेन करना, ये सब किस में आता है? सर्विसेज में आता है. नेक्स्ट, एंड डज नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. टाइम बींग के लिए जेटे जी को बाजू में रखते हैं. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का ये मतलब है हम सभी वेकेशन में रिसोर्ट में जाते हैं, विलाज में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, ठीक है. हम सब फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स एक रूम बुक करेंगे. ऑब्वियसली 2 दिन के लिए हमने रूम बुक कर लिया तो 2 दिन बाद हम उधर से चले जाएंगे. हम ऐसे बोल सकते हैं, नहीं, हमने भाई आपका पैसा दिया है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमने पैसा दिया, अभी ये घर हमारा है. तो उधर का मालिक हमको धक्के मार के बाहर निकाल देगा. दैट इज वॉट, वो सिर्फ भाड़ा देता है, हम उनको रेंट देते हैं. That is what they are giving service of renting, getting. तो ये वो बताता है, it does not result in transfer of ownership of anything. Ownership transfer नहीं होती है, for time being के लिए possession ही transfer होता है. तो renting भी किस में आया? Services में ही आया. Next, and its production may or may not be tied to a physical product. अभी back to जेठा जी. चलिए, जेबागा को बोला, एक customer आया Mr. A. कस्टमर ने एसी मंगाई, कस्टमर ने फ्रिज मंगाया, कस्टमर ने टीवी भी मंगाई. अब ये 3 चीजें, एक हाथ में एसी, एक हाथ में टीवी, एक हाथ में फ्रिज, पकड़ के चल रहा है. ऐसे कभी देखा है? इज इट लॉजिकल? व्हाट विल यू नीड? ऑब्वियसली जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपको सेपरेटली घर तक पहुंचाएगा सामान. घर तक पहुंचा दिया, अभी एसी को नीचे रख दिया, एसी चालू हो जाएगी? नहीं, इंस्टॉल करना पड़ेगा. गेटिंग? अगर कोई फिश टैंक है उसको बाजू में रखे, फिश टैंक है फॉर सपोज, फिश टैंक घर पे लाया, फिश टैंक की भी सर्विसिंग होती है? सिर्फ फिश टैंक फिशेस को दे दिया हमें और काम खत्म, ऐसा होता है? नहीं. तो वही बोलना है इनको कि इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोबाइल खरीदा, अभी मोबाइल खरीदा है, इसका मतलब वो दुकान मेरे दुकानदार मेरे साथ घर पे आएगा ये मोबाइल देने के लिए? नहीं. पर अगर वही टीवी है, फ्रिज है, बड़ा बड़ा सामान है, तो ऑब्वियसली मेरे साथ कोई ना कोई आएगा. दैट इज व्हाट, इट मे और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट. तो डेफिनेशन के इतने पॉइंट्स हैं, हम उसको एक साथ सम अप करेंगे. अब डेफिनेशन वॉज गिवन बाय फिलिप कॉटलर. व्हाट डज इट से? अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस विच वन पार्टी ऑफर्स टू एन अदर विच इज एसेंशियली इनटेंजिबल एंड इट डज नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट. 2 मिनट में ये आपका जो वीडियो के लिए थोड़ा सा पॉज करिए और फिर ये डेफिनेशन जल्दी से फटाफट याद कर लीजिए विद द एग्जाम्पल. ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल आता है रेंटिंग का, यहाँ पर एग्जाम्पल आता है एसी फ्रिज का, और यहाँ पर एग्जाम्पल आता है कस्टमर आ रहा है और हमें गुड्स लेके जा रहा है. सॉरी, गेटिंग? चलिए, नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ सर्विस. व्हाट इज द फीचर्स ऑफ सर्विस? अब मैं ना आंसर्स को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाती हूँ. ओके, वी डोंट गो इन अ टिपिकल थ्योरी बेस्ड, आई मेक इट अ थोड़ा इनोवेटिव. ठीक है, सो इस फीचर ऑफ सर्विस को हम इन फॉर्मेट के जैसा पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म? सर्विस, सर्विस के आंसर को करो पिन. हमको पता है व्हाट्सएप के मैसेज अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, तो हम उसको पिन कर देते हैं. वैसा ही फीचर ऑफ सर्विस को हम करेंगे पिन. सर्विस के आंसर को करो पिन. पी से आते हैं 3 वर्ड्स, पेरिशेबिलिटी, पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर्स. आई से आता है 3 वर्ड्स, इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी एंड इनकंसिस्टेंसी. एंड एन से आता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. अभी बेटा जी ये आंसर बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर ये आंसर आपको समझ गया मतलब आपको 80 अबाव 90 अबाव आने ही है उसी में. गेटिंग? चलिए, पी से आता है पेरिशेबिलिटी. पेरिशेबिलिटी का एक मतलब है कि सर्विस कभी सड़ता है क्या? What is the meaning of perishability? जो vegetables है, fruits है, after some time वो खराब हो जाता है. तो वैसे ही सर्विस जो है वो खराब होती है. आज जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, कल भी सेम पढ़ाऊंगी, परसों भी सेम पढ़ाऊंगी. गेटिंग? तो
लेवल बढ़ता जाएगा, पर वो खराब हो सकती है चीज नहीं। प्रोडक्शन कर दिया, अरे भाई वो गीला हो गया और खराब हो गया। सर्विस ऐसा हो सकता है? नहीं। तो वन ऑफ द फीचर ऑफ सर्विस इज व्हाट? पेरिशेबिलिटी। वो कभी खराब होता नहीं है एंड इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। ऑब्वियसली मैंने मेरा प्रोडक्शन निकाला, अभी तेरे को कल सर्विस पढ़ाना है, रख दिया स्टोर में। इज दिस पॉसिबल? ऑब्वियसली नॉट। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर, पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर। अगर तुम ना होते तो हमारा क्या होता? अगर तुम स्टूडेंट्स ना होते तो हमारे यूट्यूब चैनल का क्या होता? हमारे टीचिंग फील्ड का क्या होता? गेटिंग? तो पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम ना होते तो हमारा क्या होता? अगर पेशेंट ना होता तो डॉक्टर का क्या होता? गेटिंग? नेक्स्ट आई आता है इनटेंजिबिलिटी। आई से आता है इनटेंजिबिलिटी। सर्विस के मीनिंग में मैंने बता दिया था सॉरी। व्हाट इज इनटेंजिबिलिटी? इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बैड क्वालिटी, सॉरी गुड क्वालिटी सर्विसेज, बैड क्वालिटी सर्विसेज। अरे वो डॉक्टर के पास गया इतना गुण नहीं आता है, इस डॉक्टर के पास गया तो बहुत गुण आता है, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है, ये टीचर से कुछ समझता ही नहीं है। गेटिंग? सो द इनटेंजिबिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा एक पेंटर जैसे पेंटिंग बना सकता है, दूसरा कर सकता है क्या? नहीं। नेक्स्ट आता है इनसेपरेबिलिटी। यही पॉइंट यहाँ पर अब आ रहे हैं, इनसेपरेबिलिटी। मेरे से मेरा टीचिंग स्किल्स कोई बाहर निकाल नहीं सकता। ये जो है, ये जो किचन है, ये किचन कोई भी बना सकता है। ये गोल ऐसे मस्त आर्टिस्टिक कर दो, ये कर दो, उसको बस टक कर दो, कोई भी कर सकता है। पर टीचिंग ऐसी चीज है जस्ट के लिए जो सबके पास होता नहीं है। वैसा ही सर्विस, एवरी पर्सन हैज ओन क्वालिटी एंड इनसेपरेबिलिटी का यही मतलब है कि मेरे से मेरा स्किल्स कोई छीन नहीं सकता। गेटिंग? नेक्स्ट इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट फीचर ऑफ सर्विस आता है इनकंसिस्टेंसी। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी मतलब व्हाट इज इनकंसिस्टेंसी देन? उसका अपोजिट, अगर ये प्लेन है तो इनकंसिस्टेंसी कैसे होगा? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। गेटिंग? अभी जो प्रोडक्ट है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये पेन, ये पेन आपको यहाँ पर ऐसी मिल रही है, आपको लोखंड वाले में भी ऐसी मिलेगी, आपको गुजरात में भी ऐसी ही मिलेगी, आपको तमिलनाडु में भी ऐसी ही मिलेगी। गेटिंग? सो ये सब जगह पे कंसिस्टेंट ऐसा सिमिलर कलर, सिमिलर व्हाट यू से साइज एंड ऑल मिलेगा। पर वही अगर सर्विस की बात करें तो गुजरात में सिखाने वाली टीचर अलग पढ़ा सकती है, पढ़ाती है, सकती है, पढ़ाती है, तमिलनाडु में अलग पढ़ाती है, महाराष्ट्र में अलग पढ़ाती है। सो देयर इज इनकंसिस्टेंसी। ऑल्सो आज मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, अरे यार मैम ने आज बहुत सही पढ़ा दिया, एक बार में मेरा आंसर दिमाग में फिट हो गया ऐसे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अनबनी हो गई, अरे यार आज इतना कुछ समझ नहीं आया। होता है कि नहीं? सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बचपन में बहुत हुआ है। ठीक है, दैट इज वॉट इनकंसिस्टेंसी। द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज मे गो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ओके, नेक्स्ट आता है एन से नॉन ट्रांसफरबिलिटी। नॉन ट्रांसफरबिलिटी, हमने ये भी पॉइंट मीनिंग में पढ़ा था, द ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, द ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अभी रेंटिंग जैसे मैंने बोला था, अभी एक पर्टिकुलर एरिया मैंने रेंट पे लिया है, तो रेंट का वो पीरियड खत्म होने के बाद, ड्यूरेशन खत्म होने के बाद, मैं चुपचाप उनको मेरी उनकी चाबी दे देनी है और उधर से निकल जाना है। पोजिशन इज ट्रांसफर्ड, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। गेटिंग? हम इसको वापस करेंगे। फीचर्स ऑफ सर्विस, फीचर्स ऑफ सर्विस का शॉर्ट फॉर्म क्या है? सर्विस के आंसर को करो पिन। पी से आते हैं दो लोग, पेरिशेबिलिटी। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर्स। फिर आई से आता है इनटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, एंड थर्ड इज इन कंसिस्टेंसी, और एन से आता है नॉन ट्रांसफरबिलिटी। ईजी, क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर लाइक करें। नेक्स्ट आ गए हैं बीच में जेठा जी। अब जेठा जी हमारे बहुत फेवरेट है। आप बोलोगे मैम सब जगह क्या जेठा जी? मेरे जेठा जी बहुत फेवरेट है। चलिए, बीच में जेठा जी और बाजू में थोड़े थोड़े पिक्चर्स लगाए हुए हैं। हम सोचेंगे कि ये क्या है, ये क्यों है पिक्चर्स? बताती हूँ। हमने सर्विस पढ़ लिया, ठीक है? व्हाट इज सर्विस? एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विस देता है। अभी ये बिजनेस से कैसे रिलेटेड है हमको वो देखना है। चलिए, अभी जेठा जी ने स्टार्टिंग में सोचा था कि हम
क्या करेंगे, जेठा जी ने सोचा कि हम बिजनेस करेंगे। बिजनेस करने के लिए सबसे मेन चीज क्या लगती है, स्किल्स। स्किल्स तो है ही, मेरे पास स्किल्स भी है, मेरे पास टैलेंट भी है, पर मैं बिजनेस नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? वन एंड ओनली रीजन होती है फाइनेंस। अब फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है? रिलेटिव्स को पूछा तो तुमको पता है बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता। वैसे ही बुरे वक्त में कौन काम आती है? बैंक काम आती है। बैंक मुझे क्या देगी? फाइनेंस देगी। फाइनेंस एक गुड है क्या? फाइनेंस एक सर्विसेज है। बैंक इसके बदले क्या देगी? ऑब्वियसली इंटरेस्ट। लोन देगी, लोन पे क्या देगी? इंटरेस्ट। मेरे पास पैसे तो आ गए, मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया पर इस बिजनेस को मैं दूर दूर तक पहुंचाऊंगा कैसे, पहुंचाऊंगी कैसे? गेटिंग? तो उसके लिए लगता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल करो, सोशल मीडिया है, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारे लोगों की जान पहचान होती है, गुडविल होती है, दिस ऑल कम्स अंडर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी एक सर्विस है, ईमेल हमको सर्विस देता है, वी सेंड मैसेजेस, रिसीव मैसेजेस, रिसीव ऑर्डर्स, सो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सर्विस। ओके, नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। ठीक है, मेरे पास गुड्स है, मेरे गुड्स जो है गोडाउन में पड़े हुए हैं, इस गोडाउन पे पड़े हुए गुड्स के लिए मुझे इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर आजकल के जमाने में इंश्योरेंस ले ही लिया तो भाई तुम बहुत बड़े गधे हो। गेटिंग? सो इंश्योरेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्विसेज व्हिच इज प्रोवाइडेड, बताती हूँ आगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये क्या है, वेयर हाउस। जैसे कि मैंने बोला था गोडाउन, मैंने प्रोडक्शन तो कर दिया, या फिर एज अ ट्रेडर, बचपन में 11वीं पढ़ा था मैन्युफैक्चर ट्रेडर, ट्रेडर ने गुड्स मंगा के रख दिए, मैन्युफैक्चर ने गुड्स मैन्युफैक्चर करके रख दिए, पर रखेगा कहाँ? बाहर रखेगा तो सड़ जाएगा ना, तो कहाँ रखेंगे? वेयर हाउस में रखेंगे। वेयर हाउस क्या होती है? टिपिकल गोडाउन जहाँ पर सेफली मेरा गुड्स रखा जाता है। तो ये सारे फील्ड्स, और हाँ सॉरी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन आई कैन नॉट गेट माई बिजनेस फर्दर। एग्जाम्पल, अभी मेरा प्रोडक्शन हाउस जो है वो है गुजरात में, और मेरा मार्केट कहाँ है? मुंबई में। मिस्सी को चाहिए था एक टमाटो सॉस, क्या चाहिए था? टमाटो सॉस। मेरा प्रोडक्शन हाउस कहाँ पर है? गुजरात में। उनको चाहिए कहाँ पर? मुंबई में। मेरे कस्टमर ने मेरे को टमाटो सॉस मंगाया है, मैं जाऊँगी वहाँ पर चल के और उनको देकर आऊँगी। मैंने उठाया मेरा टमाटो सॉस एंड आई जस्ट वेंट वॉकिंग। चल रहा है। इज इट पॉसिबल? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सिर्फ मिस्सी है क्या उस पर्टिकुलर मार्केट में? बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स को रीच आउट करना है, डिमांड को रीच आउट करना है, गुजरात से महाराष्ट्र लाना है, तो बीच का गैप कौन फिल करेगा? ट्रांसपोर्टेशन फिल करेगा। तो ट्रांसपोर्ट क्या गुड्स देता है मुझे? ट्रक देता है? नहीं, मुझे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देता है। तो आप गौर करेंगे, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, दीज ऑल आर सर्विसेज विच हेल्प्स द बिजनेसमैन टू रन देयर फंक्शंस, टू रन देयर ऑपरेशंस वेरी स्मूथली। अगर कम्युनिकेशन ना होता तो मेरे बिजनेस शायद उतना ग्रोथ ना करता। सो दिस इज हाउ इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, एंड ये सब कि मेरे बिजनेस के लिए, जेठा जी के बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यही हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज व्हाई इट इज द नेम ऑफ द टॉपिक इज बिजनेस सर्विस। हम एक एक करके ईच एंड एवरी सर्विस को इन डिटेल इन फर्दर वीडियोस पढ़ने वाले हैं, तो हमारे साथ बनाए रखे। चलिए, फर्स्ट सर्विस आता है बैंकिंग। फर्स्ट सर्विस आता है बैंकिंग। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बैंकिंग? बैंक हम क्या करता है, बैंकिंग हमारा क्या करता है? इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, एंड क्या करता है? जब भी जरूरत हो तभी क्या देता है? लोन। एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो। जूते लो, पैसे दो। सॉरी, जूते लो, पैसे दो। चलिए, बैंकिंग। द वर्ड बैंकिंग कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको। सेकेंड, द वर्ड, द टर्म बैंक को मैंने ऑलरेडी उसको हाईलाइट कर दिया है। द वर्ड बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको, दिख रहा है? यस, व्हिच मींस बेंच। ये हमारे ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसको ध्यान रखिए। बैंक कम्स फ्रॉम व्हिच वर्ड?
फ्रेंच वर्ड बैंको विच मीन्स बेंच. अभी बैंक का मीनिंग क्या है? इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल मतलब पैसा देने वाला दुकान, पैसे देने वाला दुकान. इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड गिविंग एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज. हमने बहुत सुना है गोल्ड पे लोन दे दिया, कार पे लोन दे दिया, हमारा इंपॉर्टेंट गोल्ड हमने तिजोरी में रख दिया. कौन सी तिजोरी? बैंक की तिजोरी. सो दीज ऑल सर्विसेज आर अदर रिलेटेड सर्विसेज विच बैंक्स प्रोवाइड अस. ओके, हम इन डिटेल अभी पढ़ेंगे कि बैंक और कौन सी हमें सर्विसेज देती है. चलिए, टाइप्स ऑफ बैंक. इतने सारे टाइप्स ऑफ बैंक है, हमें सबको पढ़ना है और ये इम्पॉर्टेंट आंसर है. और ये जो आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. टोटल 9 टाइप्स ऑफ बैंक है, हम सारे को एक एक साथ अच्छे से पढ़ेंगे. फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक. देन आता है एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग्स बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक. इतना सारा बैंक मिस कैसे याद रहेगा? मैं हूँ आपको ईजिली सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस बनाए रखे हमारे साथ. ओके, चलिए नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, ये जो छोटू है ये कौन है? ये आप लोग है. ऐसे ही आप पसीना बहा के बेचारे सारे टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ने वाले हैं और याद भी रहने वाला है. चलिए, फर्स्ट आता है सेंट्रल बैंक. फर्स्ट आता है सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक मतलब द मेन बैंक. इस बैंक के बिना कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज सेड एज इट इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एपेक्स का मतलब होता है मेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एपेक्स का मतलब होता है मेन बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट बैंक. इस बैंक के बिना कुछ हो नहीं सकता. ऑब्जेक्टिव अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. चलिए, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक. अमेरिका का अलग, इंडिया का अलग, वैसा ही एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक. हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. यहाँ पर उनका फोटो लगाया गया है. ठीक है, क्या करती है RBI? नोट छापती है. मार्केट में कितना पैसा आना चाहिए, कितना पैसा नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजें भी कौन देखता है? सेंट्रल बैंक देखती है. द मेन फंक्शन इज, अगर आ गया व्हाट इज सेंट्रल बैंक? एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक. RBI इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. एंड लास्ट में लिखेंगे द फंक्शंस. दो तीन फंक्शंस हम उसको समझेंगे. फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी मतलब पैसा कितना आना चाहिए, पैसा कितना नहीं आना चाहिए, हमारे स्टेबिलिटी कैसा मेंटेन रहे. हम आगे जाके इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे इसके बारे में. नेक्स्ट इशूज करेंसी. नोट छापती है. नेक्स्ट एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक. सारे बैंकों का काम भी कौन रखेगा? ध्यान सॉरी सेंट्रल बैंक रखेगा. और ये गवर्नमेंट बैंक की तरह भी बोला जाता है. इसको गवर्नमेंट बैंक भी बोला जाता, सॉरी गवर्नमेंट्स का बैंक भी बोला जाता है. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैंक. नेक्स्ट बैंक कौन सी है? कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक कौन सी है? जहां पे हम जैसे, आप जैसे सब लोगों का अकाउंट जहाँ खुलता है, वो कौन सी बैंक होती है? कमर्शियल बैंक. हम बैंक में जाके क्या करते हैं? एक तो पैसा डिपॉजिट करेंगे, दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? लोन देना. तो ये कौन सी बैंक करती है? कमर्शियल बैंक. कौन सी बैंक करती है? कमर्शियल बैंक. द बैंक प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा? इकोनॉमिक मतलब पैसा. जब बैंक लोन देती है, लोन पे क्या कमाएगी? इंटरेस्ट कमाएगी. सर्विस भी देती है, सर्विस पे क्या कमाएंगी? इंटरेस्ट कमाएंगी, थोड़ा चार्जेस लेंगी. ये सारे उनके इनकम होते हैं. दिस ऑल हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसीज लाना, ये सारे भी किस में हेल्प करेंगी? इकोनॉमिक को ग्रो करने में. एंड नेक्स्ट आता है सोशल डेवलपमेंट. अलग अलग स्कीम्स लाती है बैंक्स फॉर द मिडिल इनकम पीपल, फॉर द लोअर इनकम पीपल ग्रुप्स एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंक. कौन सी 3 टाइप्स ऑफ बैंक? एक है प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक एंड फॉरेन बैंक. प्राइवेट बैंक का मतलब होता है इट इज ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. 2, 3, 4, 10, 15 लोग एक साथ आएंगे, सोचेंगे बैंक खोलनी है अपने को. ठीक है, तो वो कौन सी बैंक खोलेंगे? प्राइवेट बैंक. यानी बैंक खोलने मतलब इन्वेस्टमेंट्स तो लगेगा ना भाई,
चाय की टपरी खोलनी है या मोदी बनना है, सबके लिए क्या लगेगा? फाइनेंस लगेगा। चलिए, तो प्राइवेट बैंक में पैसा कौन लाएगा? ऑब्वियसली कौन? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। एंड जो पैसा लाता है वही ओन करेगा। हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, बिजनेसमैन सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप दे ब्रिंग पैसा, वैसा ही यहाँ पे इट इज ओन बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एंड पैसा भी कौन लाएगा? वही लाएगा। एंड फिर बैंक चालू होगी। फॉर एग्जाम्पल विच बैंक? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी ऑफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? बचपन में पढ़ा था हमने, व्हाट इज कैपिटल? अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द बिजनेसमैन इन टू द बिजनेस। जो पैसा हम लगाते हैं अपने बिजनेस में उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। वैसे जब भी गवर्नमेंट पैसा लगाता है मेजोरिटी का, व्हाट इज मेजोरिटी? 50% से ज्यादा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। 50% से ज्यादा जब भी गवर्नमेंट पैसा डालती है तो वो बैंक कौन सी बन जाएगी? पब्लिक बैंक। एग्जाम्पल बैंक ऑफ इंडिया, SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम सब लोगों ने ये सब बैंक का सुना है एटलीस्ट नाम। ये बैंक कौन सी बैंक आती है? पब्लिक बैंक में आती है। नेक्स्ट कम्स द फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक का मतलब क्या है? उगा कहीं और है और रह कहीं और रहा है। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल है बैंक ऑफ सॉरी सिटी बैंक। एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर के देश में उसका जन्म हुआ है। इट इज एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया बट एज अ ब्रांच इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल CITI, सिटी बैंक। फॉर एग्जाम्पल सिटी बैंक। ये पूरा क्लियर हो गया है, हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। उसके पहले व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ बैंक? पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन। फॉरेन में का एग्जाम्पल सिटी बैंक, पब्लिक का SBI बैंक एंड प्राइवेट का HDFC बैंक। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ न्यू टू अदर बैंक्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एंड एक्सचेंज बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक मतलब ऐसी बैंक जो इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है टू ग्रो ग्रो फाइनेंशियली, उसको बोलते हैं कौन सी बैंक? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ये क्या करती है? दे प्रोवाइड स्मॉल एंड मीडियम टर्म फंड्स टू द बिजनेस फर्म्स। अभी बिजनेस, तेरे पास टैलेंट है भाई, तेरे पास स्किल्स है भाई, पर तेरे पास क्या नहीं है? पैसा। अगर पैसे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो उसको पूरा करने के लिए, वो छोटा जो खोट है, वो मिसिंग पॉइंट है, उसको ओवरकम करने के लिए कौन एंट्री लेता है? भगवान की तरह कौन एंट्री लेता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए फंक्शंस, फंक्शंस है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ बॉन्ड्स। ये फंक्शंस एक दो हम लिखेंगे शॉर्ट में तो भी चल जाएगा, अपना मेन आंसर अलग है, ये 2 मार्क के लिए आ सकता है। अभी हमने जो भी किया वो 2 मार्क के लिए डायरेक्ट 8 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ बैंक, चलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग? अभी अंडरराइटिंग का मतलब है मुझे 1000 शेयर इशू करने थे, मुझे 1000 शेयर लोगों में देने थे, तो 1000 में से लोगों ने सिर्फ 600 लिए शेयर्स, तो बाकी के 400 का क्या? 400 भी तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। व्हाट आर द शेयर्स? शेयर्स मतलब वो मेरा शेयर्स लेंगे और क्या देंगे बदले में? पैसा देंगे। अभी सिर्फ 600 शेयर्स आया है, 400 शेयर का क्या? तो एक आदमी बैठा है जो मेरा ये 600 क्या 400 शेयर्स लेगा, पूरा का पूरा 1000 भी ले सकता है, ठीक है फिलहाल के लिए 400। ये 400 शेयर जो मेरे से लेगा, दैट इज वॉट कॉल्ड अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। जो कोई नहीं लेता वो अंडरराइटर लेता है, जो कोई नहीं लेता वो अंडरराइटर लेता है, दैट इज कॉल्ड, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। और ये फंक्शन कौन करेगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक करेगी। इजी। चलिए नेक्स्ट आता है एक्सचेंज बैंक। तो व्हाट इज द एक्सचेंज बैंक? उनका मेन फंक्शन होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन मतलब डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। ऐसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन अगर करना है तो हमको कौन से बैंक में जाना चाहिए? एक्सचेंज बैंक में जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ टोक्यो। इजी। फंक्शंस क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड एक्सेट्रा। चलिए पहले हम बात करेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट होता है, फिलहाल के लिए बताती हूँ, एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे लिखा गया होता है कि मिस्टर बी को 2 महीने बाद 10,000 रुपये दीजिए। 10,000 रुपये लाना है मतलब डॉलर कितना?
तो ये सारे ट्रांजैक्शंस भी कौन देखेगा? एक्सचेंज बैंक देखेगा। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, व्हाट इज रेमिटेंस? रेमिटेंस करना मतलब ट्रांसफर करना। क्या करना? ट्रांसफर। अभी मैंने किसी आउट ऑफ इंडिया कंपनी के शेयर्स मैंने परचेज किए हैं, उसका मुझे डिविडेंड आया है, तो डिविडेंड तो मुझे डॉलर में आया होगा, पर यहाँ पर डॉलर चलती है क्या? डॉलर नहीं चल रही, यहाँ पर कौन सा चलता है? रुपीज चलता है। तो ये फंक्शन भी कौन देखेगा? एक्सचेंज बैंक देखेगा। सो वी आर डन विथ फोर बैंक्स। फर्स्ट इज द सेंट्रल बैंक, सेकेंड इज द कमर्शियल बैंक, थर्ड इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एंड फोर्थ इज एक्सचेंज बैंक। ईजी, एवरीथिंग क्लियर? नाउ आई हैव समथिंग स्पेशल। ओके, हम इसको करेंगे क्लोज। टाइम फॉर टेस्टिंग योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अभी इस वीडियो में आपको जो भी समझा, हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। ओके, ये मैंने छोटा मोटा सा ऑब्जेक्टिव बनाया है, आप ट्राई करें कि आपको आंसर्स आए। ओके, सो द फर्स्ट वन इज, बैंक इज डिराइव फ्रॉम डैश वर्ड, फ्रेंच वर्ड बैंको विच मीन्स बेंच। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ सर्विस वॉज गिवन बाय, डेफिनेशन ऑफ सर्विस वॉज गिवन बाय फिलिप कॉटलर। याद करिए, फिलिप्स एलईडी लाइट्स, फिलिप कॉटलर। वैसे हम याद रखेंगे, मैं भी वैसे याद रखती हूँ। चलिए, थर्ड आता है, फर्स्ट इज डन, सेकेंड इज डन, डैश इज एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। याद करिए, टाइगर, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम यहाँ पर लिख दे, चलिए लिखेंगे फ्रेंच वर्ड बैंको विच मीन्स बेंच। डेफिनेशन ऑफ सर्विस वॉज गिवन बाय फिलिप कॉटलर। थर्ड आता है, विच इज एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? सेंट्रल बैंक। चलिए, सर्विस इज डैश डैश डैश, क्या है? चार टाइप ऑफ सर्विस। याद करिए, सर्विस के आंसर को करो पिन। व्हाट आर द फोर फीचर्स? पेरिशेबिलिटी, पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर्स, इनटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी। ऐसे और छह है, आप कौन से भी चार यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट इनिशियल लिखती हूँ, पेरिशेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, इनटेंजिबिलिटी एंड इनसेपरेबिलिटी। नेक्स्ट वन, आफ्टर सेल सर्विस बाय द शॉपकीपर इज कंपल्सरी फॉर एवरी प्रोडक्ट, स्टे ट्रू ऑफ फॉल्स? कंपल्सरी है क्या कि आफ्टर सेल सर्विस देना ही है क्या? पंखा घर पे लाया, आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी? मिलेगी। अगर मैंने मोबाइल घर पे लाया, आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी? शायद। पेन लाया, नॉर्मल 5 रुपए का, इसको जाने तो, ये डिफरेंट है। 5 रुपए का पेन लाया, सर्विस मिलेगी? नहीं। सो इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी। चलिए, नेक्स्ट आता है, सो द ऑल, हाँ, द स्टेटमेंट इज, व्हाट द स्टेटमेंट इज? False. Next, an actress got an award for XYZ film but did not get any award for ABC film. Said the feature related to the above scenario. अभी एक इंसान को अवार्ड कब मिलेगा? जब उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और एक पिक्चर में अवार्ड क्यों नहीं मिलेगा? ठीक ठीक परफॉर्मेंस किया है। सो वॉट इज दिस? को भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, कि भी बहुत ठीक ठीक परफॉर्मेंस किया। इनकंसिस्टेंसी, विच फीचर इज दिस? इनकंसिस्टेंसी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, consistent. Next is done. चलिए, two functions of central bank, note छापती है, monetary policies बनाती है. Next, example of industrial development bank, industrial finance corporation of India. Foreign exchange bank carries foreign exchange transactions. फॉरेन बैंक कैरीज डैश ट्रांजेक्शन। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक कैरीज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, माई मिस्टेक। नेक्स्ट कम्स द थ्री टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक एंड फॉरेन बैंक। नेक्स्ट, सर्विसेज डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पोजेशन या ओनरशिप। क्या ट्रांसफर करता है, क्या ट्रांसफर नहीं करता है? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, पोजेशन ट्रांसफर। पोजेशन मतलब मेरा ये पेन मैंने आपको दे दिया, मतलब सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हुआ है। ओनरशिप आपका हो गया क्या ये? नहीं।
ownership is not transferred. Next comes the production and consumption is of service. The production and consumption of service is done at varying times. Varying time मतलब अलग अलग time पे होना. मतलब इसका sentence का मतलब ये है, थोड़ा कट गया है वो. Production अलग time पे होता है. Service, I mean consumption, अलग time में होता है. In service, is it correct? The statement is false. The statement is false. Production and consumption is done at the same time. It is carried out at the same time. जैसे कि पूरा video तक आप बनाए रखे थे. That is what मैं यहाँ पर आपको सिखा रही थी. Production हो रहा था और वहाँ पर आप consume कर रहे थे. आप उसको समझ रहे थे. That's all for today. Hope you like this video. अगर like लगा है, अच्छा लगा है, तो please share this video अपने friends के साथ, अपने colleagues के साथ, सबके साथ share करिए और हमें follow करिए and comment ज़रूर करना. Thank you.